किन पॉइंट को पढ़ना जरूरी होता है कितना डेटा दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट होता है किस क्वेश्चन को कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है सो पीवाई क्यू को एनालाइज करना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विदालिस अब हम समझेंगे कि अगर PYQ में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो उसी पैटर्न में 2024 में कैसे क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक के सेक्शन में से स्पेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ठीक है हम देखेंगे कि सैटेलाइट बेस्ड जो भी हमारे नए वेंचर्स हमने स्टार्ट किए हैं उन पर बेस्ड ऑर्बिट्स पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ओके सो अस मूव ऑन विद सेशन टिंग इट्स क्लासरूम क्लासेस एट टू सेंटर्स इन कोलका हमारे वीकेंड एंड वीकडे क्लासेस दोनों चल रहे हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर एडमिशंस वी आर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल्स नाइन स्टडी मटेरियल्स जो कोर जीएस के सब्जेक्ट होते हैं बी इट एनवायरमेंट साइंस टेक इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी और वॉट इन सब के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अदर देन दैट हम अपने स्टूडेंट्स को मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड करते हैं और यूपीएससी एग्जाम्स में मेंस के लिए स्पेशली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पर काम करने की जरूरत होती है दैट इज न्यूज़पेपर एनालिसिस एसे राइटिंग क्लासेस और आंसर राइटिंग लीग जो कि हमारा फ्लैगशिप सीरीज है और यहाँ से अराउंड सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन हर साल मैच होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है

तो क्वेश्चन ये था कि जीपीएस कहां कहां पर यूज होता है तीन ऑप्शन थे मोबाइल फोन ऑपरेशन बैंकिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग द पावर ओके कहां पर होगा होगा वी ऑल नो मोबाइल फोन में तो डेफिनेटली यूज तो आंसर वन कहां कहां पर है यहां पर ए में सी में और डी में दूसरे क्या क्या है ऑप्शन टू एंड थ्री भी हो सकता है या फिर सिर्फ थ्री भी हो सकता है तो हमें सारे के सारे आंसर्स ध्यान से देखने होंगे तो इससे पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं जहां पर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है पूरा डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है ऑप्शन नंबर टू इज बैंकिंग ऑपरेशन क्या बैंकिंग ऑपरेशन में जीपीएस की जरूरत है यस डेफिनेटली लोकेशन जानना बहुत जरूरी है लोकेशन की रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में जरूरत होती है

यहाँ पर ब्रॉडबैंड है भी या नहीं वो जानने से भी पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लिखा हुआ है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे प्लेस्ड नहीं है ये पोलार ऑर्बिट पे प्लेस्ड है तो मींस अगर आप किसी वेंचर के बारे में पढ़ते हो उसका ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए ऑर्बिट से क्वेश्चन आ सकते हैं सो नंबर वन विल बी इन करेक्ट वॉट इज द सेकेंड वन द फाइनल सेट ऑफ सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय द लॉन्च मार्क थ्री रॉकेट एल वी एम मार्क थ्री

let us first see what is the previous year question with reference to the indian regional navigation satellite system that is irnss consider the following statements hai? irnss sahe gps aata hai hamare ka. okay Ye bhi 2018 18 kahi question hai. 2018 ka hi question hai. what is the point irnss has three satellites in the geostationary orbit whereas four satellites in जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट सो ऑर्बिट से आपको एक और सवाल मिल गया ठीक है क्या है नाउ सम स्टूडेंट डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी वेर एंड जियोस ऑर्बिट ये दोनों सिमिलर हैं, बट अलग हैं। जियो स्टेशनरी को शॉर्ट में जी ईओ लिखा जाता है वेर एस जियो सिंक्रोनस को जीएसओ लिखा जाता है जीईओ इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ जीएसओ वॉट इज द डिफरेंस लेट नाउ सी अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर है ठीक है एनी ऑर्बिट जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पैरल ही चल रहा होगा एट द जीरो डिग्री विथ नो इंक्लिनेशन बिल्कुल जीरो डिग्री में ही चल रहा होगा जैसे ही इक्वेटर पर खड़ा होगा कोई इंसान अगर वो आसमान की तरफ देखेगा उसे देखेगा कि जैसे जैसे दिन हो रहा है रात हो रहा है सैटेलाइट बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही है वो मूव नहीं कर रहा है इट सीम्स लाइक इट स्टेशनरी कमिंग टू जियो सिंक्रोनस उसमें क्या होता है काफी सिमिलर होता है बट इक्वेटर से एक इंक्लिनेशन होगा सेंटर से एक एंगल बनाएगा क्यों क्योंकि हर कंट्री तो इक्वेटर के ऊपर नहीं है हम ही इक्वेटर के ऊपर नहीं है तो हम इक्वेटर पे अगर अपना सैटेलाइट बिठाएंगे तो कैसे काम चलेगा अगर हमें 24 फोर आवर सर्वेलेंस हमारे खुद के देश के लिए चाहिए हम इक्वेटर पे अपना सैटेलाइट नहीं बिठा सकते है ना हमें अपने देश के ऊपर सैटेलाइट बिठाना होगा तो इक्वेटर से थोड़ा इंक्लिनेशन लेना होगा फाइन सो so, ये होता है जियो सिंक्रोनस दिस पॉइंट इज एक्चुअली करेक्ट यहां पर तीन सैटेलाइट जीईओ में है और चार जियो सिंक्रोनस पे है दिस पॉइंट इज एक्चुअली करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट Geosynchronous covers entire India and about 5,500 square kilometers beyond its border. This is wrong. It does cover entire India, but only 1,500 kilometers beyond the borders, not 5500 Chazar kilometers. Okay. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019. This point is also incorrect. Now, अगर आपको यहां से पहला जवाब भी सही मिल जाता है तो भी आप देखेंगे कि नंबर वन कहाँ पर है ए में है और बी में है ठीक है ना बी में ऑप्शन टू भी है बट इज ऑप्शन टू करेक्ट नो इट्स इन करेक्ट सो ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू अ प्रोबेबल क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी इंडिजिन डेवलप्ड बाई इसरो नासा इसरो सिंथेटिक एपोर्चर रडार ओके सो यह सिर्फ इंडिया ने डेवलप नहीं किया है इसमें नासा का भी हाथ है फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट सो यहां पर फर्स्ट जहां जहां पर है वो सब गलत टू ओनली टू एंड थ्री ओनली दट मीन टू तो करेक्ट है ही देख लेते हैं टू क्या है सही है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करके हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है इट विल मैप द ग्लोब नाइंटी डेज आफ्टर कमिशनिंग टू प्रोवाइड डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम अर्थ का इकोसिस्टम समझने के लिए वो कैसे बदल रहा है स्पेशली क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए इसे कमीशन किया गया है एंड आफ्टर कमीशनिंग मींस ऑर्बिट पे प्लेस होने के 90 डेज के बाद ये अपना काम शुरू करेगा दिस इज एक्चुअली करेक्ट तीन महीने उसे लगने वाले हैं सो ऑप्शन थ्री इज ऑल्सो करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर सी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पीवाई क्यू कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमिना अफेक्टेड बाय ग्रेविटी ये भी एटीन का क्वेश्चन है ठीक है यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड ऑफ एल्बर्ट आइंसटाइन जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एन डिस्कस्ट इन मीडिया नॉट डू नॉट गेट वरीड की आइंस्टाइन की थियोरी भी हमें पढ़नी पड़ेगी वो तो फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए है हम क्यों पढ़ यूपीएससी .E. के स्टूडेंट्स आपको इतना नहीं पढ़ना है ये उस वक्त उस साल किसी वजह से न्यूज में आया था इसकी वजह से मे बी मूवीज की वजह से ये न्यूज में आया था या वॉट इसी वजह से ये न्यूज क्योंकि ये न्यूज में आया था स्टूडेंट्स को पढ़ना था आपको जानना था इसलिए ये क्वेश्चन आया था तो ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आते हैं ऑल द थ्री पॉइंट्स लाइट इज अफेक्टेड बाई ग्रेविटी यस द ब्लैक होल जो होता है ठीक है वो ब्लैक हो जाता है क्योंकि लाइट को भी वो खींच लेता है अदर देन दैट ऑल ऑफ़ द पॉइंट्स आर करेक्ट सो ऑप्शन डी विल बी द द करेक्ट ऑप्शन कमिंग टू प्रोबेबल क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एक्लिप्स एंड रीजन एन्यूलर एक रिंग होता है जो सोलार एक्लिप्स होता है बाहर एक पतला सा रिंग हो जाता है अंगूठी की तरह उसे एन्यूलर कहते हैं ठीक है द मून पासिस बिटवीन अर्थ एंड द सन बट इज नॉट परफेक्टली अलाइन ये नहीं होगा अगर ये परफेक्टली अलाइन नहीं होगा तो ये परफेक्ट रिंग बनेगी ही नहीं होगा ही नहीं ठीक है ये कॉम्बिनेशन गलत है ऑप्शन वन जहां जहां पर है वो नहीं होगा

है ना रिंग तो बनेगा ही नहीं सो टू तो नहीं होगा हो ही नहीं सकता सो ये भी नहीं है थ्री करेक्ट है नाउ हाइब्रिड एक्लिप्स हाइब्रिड में एक्चुअली दोनों चीजें हो सकती हैं दोनों सिचुएशंस आती हैं टाइमली बेसिस पे कुछ समय तक ये पार्शियल रहेगा फिर थोड़े टाइम के लिए एनुलर उसके बाद फिर पार्शियल हो जाएगा दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इक्लिप्स ओके सो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए अगले सेशन में हम स्पेस रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे तब तक के लिए स्टेट ट्यून टू आर चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज इफ यू लाइक देम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे